स्वागत है स्पाइस बॉक्स में। हम सबको पसंद है नाश्ता करना, और इससे अच्छा क्या होगा अगर वो नाश्ता हो सेहतमंद। आज आपके लिए हमारे पास है ऐसी ही एक रेसिपी, यह है गोवन वेज चॉप। इसमें हमारे पास है बहुत सारी मैश की हुई सब्जियाँ जिसे हम शैलो फ्राई करेंगे, इसीलिए यह है बहुत सेहतमंद। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये गोवन वेज चॉप। आइए देखते हैं क्या सामग्री चाहिए बनाने के लिए ये गोवन वेज चॉप। इसके लिए मेरे पास है 2 आलू जिसको उबाल कर काटा हुआ है, थोड़े गाजर, बीन्स और मटर जिनको उबाल के रखा हुआ है, 2 कटे हुए प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, काली मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च और नमक। आइए बनाते हैं ये गोवन वेज चॉप। सबसे पहले इसके लिए मैं मैश कर लूंगी सब्जियाँ। इसमें ऐड करूंगी ये उबले हुए आलू, अब ये मैश की हुई सब्जियों में ऐड करूंगी ये काली मिर्च और थोड़ा सा नमक भी। मैं अच्छे से मैश कर लूंगी ये सब। मैंने गरम किया है थोड़ा तेल, जिसमें मैं ऐड करूंगी अब ये कटा हुआ प्याज। भून लेंगे इसे जब तक हो जाए ट्रांसपेरेंट, और इसमें ऐड करूंगी ये कटी हुई हरी मिर्च। हम इस प्याज को ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, हम इसे पकाएंगे जब तक हो जाए पारदर्शक। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट भी। एक बार कच्ची खुशबू चली जाए अदरक और लहसुन की, इसमें ऐड करूंगी मैश की हुई सब्जियां। अब ये पक चुका है, इसमें ऐड कर रही हूँ मैश की हुई सब्जियां। और इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया, और मिला लूंगी ये सब अच्छे तरीके से। मैं मेरे हाथों को तेल से चिकना कर रही हूँ बनाने से पहले ये वेज चॉप, और इसके लिए मैं लूंगी एक छोटा सा बॉल साइज का मिश्रण और बनाऊंगी इसमें से छोटी पैटीज। और फिर हम बना लेंगे पैटीज इस तरीके से। अब ये दूसरी पैटी भी तैयार है, अब बाकी बचे सब्जियों के मिश्रण से भी ऐसे ही छोटी पैटीज बना लेंगे। अब रखा है मैंने ये पैन गरम होने के लिए, ये नॉनस्टिक पैन है क्योंकि पैटीज को शैलो फ्राई करना है। इसमें गरम करूंगी तेल। तो अब जब ये पैन गरम हो चुका है अच्छे तरीके से, तो एक एक करके मैं रखूंगी इसे पैन में। और फिर मैं इसे पकने दूंगी एक साइड पर जब तक हो जाए गोल्डन ब्राउन, पलटूंगी हल्के से और पकने दूंगी दूसरी साइड भी जब तक हो जाए गोल्डन ब्राउन। सेहतमंद और स्वादिष्ट गोवन वेज चॉप अब तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसे खा सकते हैं एपेटाइजर के जैसे, या तो फिर ब्रेड या बर्गर बन के साथ, सैंडविच के जैसे या बर्गर के जैसे। आप डाल सकते हैं अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इन सब्जियों के साथ जो मैंने आज डाली हैं। तो जरूर बनाइए ये गोवन वेज चॉप अपने घर पे, और आपको ये यकीनन बहुत पसंद आएगा।